हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, आज है थर्ड डे, लास्ट डे और सबसे बड़ा डे, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं स्कूबा डाइविंग। तो बस हम लोग उसी की तैयारी में हैं। अभी जाएंगे, सबसे पहले खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद हमारा स्कूबा डाइविंग का सेशन है। पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद हमारी होगी स्कूबा डाइविंग की प्रैक्टिस। और निधा देख लो कितनी ज्यादा एक्साइटेड है स्कूबा डाइविंग के लिए। निधा एक्साइटेड? जब बहुत डर रही है, कल रात से बोल रही है, बार बार यूट्यूब पे देख रही है क्या होगा क्या नहीं होगा, पानी में सांस कैसा लूंगी, पानी में मच्छी टच करेगी तो मैं बिछक तो नहीं जाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो चक्कर में आज सुबह ब्रेकफास्ट के लिए भी नहीं उठी और मुझे भी नहीं उठे। तो सो जाओ ना, स्कूबा डाइविंग करना है, ज्यादा नींद चाहिए। हम लोग रात में जल्दी सोए थे, हालांकि उसके बाद भी ज्यादा नींद चाहिए। बोलो इतनी डर रही हो। चलो फटाफट अभी लंच करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को स्कूबा डाइवर से मिलाते हैं। फाइनली वो वक्त आ गया है जब हम लोग स्कूबा डाइविंग के लिए जाने वाले, और निधा को डर के मारे सुसू आ गई, ठीक है कर ले तू, कभी पानी मांगे तो मिला कर दे रहा, जिसके पता चला खारा पानी यार, तो क्या मच्छियां मारेगी हमने। डर की वजह से गाइस बहुत डर लग रहा है, कसम से बता रहा हूं, लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। नहीं है मतलब न्यू समथिंग। हां निधा, डर तो बहुत धक 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 धक, अभी बोलना ही नहीं तुम तो। चलो गाइस वेट करते, ये रही हमारी सवारी। और निधा, आर यू एक्साइटेड? अरे भाई धक धक हो रहा है, मेरी आवाज आएगी क्या उसमें माइक की? गाइस आई डोंट नो इसमें आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। सो गाइस वी आर रेडी टू गो। हम लोगों ने सब इंस्ट्रक्शन सुन लिए हैं, साइंस सुन लिए हैं। ये साइन है इसका? ओके ओके थैंक यू। ओके ये ऊपर जाने के मेरे को तो इतना डर लग रहा है कि कहीं मैं ओके की जगह ये ना कर दूं और फिर ऊपर तुमको अकेला भेज दूंगा, ऊपर मैं नहीं आऊंगा। सो गाइस ये है इक्विपमेंट्स, सिलेंडर वगैरह सब कुछ, मास्क। आर यू एक्साइटेड? यस वेरी मच। सब सीख लियो अभी क्या बहुत मजा आने वाली है। इसके बाद आगे एक्सपीरियंस बताऊंगा ऊपर के क्या क्या हुआ अंदर, बहुत मजा आने वाली है। Just wait and watch. मैं भी रेडी हो गया हूँ, निधा भी रेडी है, और पानी के बीच में भी आ गए हम लोग। सो गाइज यहाँ से हमारा स्कूबा डाइविंग का सेशन चालू होता है। निधा पहले ही जंप कर चुकी थी और निधा को बोल रहे थे कि आप रिलैक्स रहो पानी में। वो बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में एकदम बह गई थी, वो जलपरी की तरह। अब बारी आती है मेरी, और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे ज़्यादा निधा के लिए डर लग रहा था कि निधा कैसे रहेगी पानी में, वो सोच सोच के मेरा ज़्यादा पैनिक हो रहा था। और फिर इंस्ट्रक्टर ने कहा मुझे जंप कर दो। गाइस पानी में जंप करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा, बट मुझे बहुत डर लग रहा था। इंस्ट्रक्टर मुझे बार बार कह भी रहा था कि प्लीज़ आप लेट जाओ, एकदम रेस्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, आप नहीं डूबोगे। फिर भी मुझसे नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड निधा वो सो रिलैक्स के निधा है, जैसे कि बचपन से स्कूबा डाइविंग करते ही आ रही है। वो कैसा एकदम पानी में मस्त लेती है मुँह में रेगुलेटर डाल के। अभी आती है बारी हमारी प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें इंस्ट्रक्टर ने हमें कहा कि आप पहले पानी के अंदर मुंह डालो और काम डाउन रहो और ब्रीथ करो, देखो आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है। तो मैंने पानी के अंदर मुंह डाला, बट आई वॉज गेटिंग सो पैनिक्ड कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पानी में सांस कैसा लूँ। मैं पानी के ऊपर आ गया और मैंने कहा मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि जब वो मुंह पे मास्क लगाता तो सांस लेने नहीं हो रहा था नाक से, क्योंकि हमें आदत है नाक से सांस लेने की। अचानक से पानी में सांस अपन नहीं ले सकते मुंह से, क्योंकि आदत नहीं है वो चीज़ की। जो जैसे ही मैं पानी के अंदर मुंह डाल रहा था, आई वॉज गेटिंग पैनिक और मैं नाक से सांस लेने की कोशिश कर रहा था, हालांकि मेरी नाक बंद थी। फिर मैंने एक बार ट्राई किया और देखो क्या हुआ। फिर भी नहीं हुआ मुझसे, तो इंस्ट्रक्टर गॉट सो एंग्री और मुझे समझा रहा था बार बार। निधा मुझे समझा रही थी कि सुफियान काम डाउन रहो काम डाउन रहो, हालांकि मुझे निधा के लिए डर लग रहा था, बट इस टाइम निधा मुझे समझा रही थी प्लीज़ सुफियान काम डाउन रहो, कुछ नहीं है, सांस लो अच्छे से रहो। निधा बहुत इंजॉय कर रही थी सीरियसली गाइस। और गाइस वहाँ पे रूल था कि एक बार अगर आप अप्लाई कर देते हो स्कूबा डाइविंग के लिए तो आप बैकआउट नहीं कर सकते हो, अगर आप वहाँ जाके बैकआउट करोगे तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ेगा। तो एक डर वो भी था करने का, तो करना ही पड़ा। आखिरकार मैं थोड़ा काम डाउन होकर अंदर गया और अंदर बहते ही जा रहा था, मज़ा ही आ रही थी। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे गाइस, वो कोरल से हम लोग बहुत नज़दीक आ रहे थे और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था आँखों से, एक मतलब कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता है गाइस इसकी ब्यूटी को, इतना खूबसूरत लग रहा था।
यहाँ से हमें छोटी छोटी कलरफुल फिशेज दिखना चालू हुई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था गाइस, इसको बयां नहीं कर सकते वर्ड्स में। विदा, अरे कैमरे में लो ना मेरे को भी। अरे हाँ हाँ ले रहा हूँ, रुको ना जरा, ये क्या उंगली दिखा रहे हो बीच में बार बार। हाँ लो लो, आ जाओ पूरा कैमरे में, घुस जाओ पूरा। अरे हाँ मालूम है, मैं अच्छी दिख रही हूँ। सफियान जरा कैमरा यहाँ लो ना। मेरी लिपस्टिक तो नहीं खराब हुई ना, मैं देख लूँ जरा। निदा यार, यहाँ तुमको रिकॉर्ड करने नहीं आया मैं। तो गाइस जितना डर मुझे पानी के ऊपर लग रहा था पानी के अंदर जाने से, बट पानी में जाते ही हम लोग इतना काम हो गए कि ऐसा लग रहा था हम लोग सिर्फ फ्लोट कर रहे हैं कहीं पे। कोई चीज़ का टेंशन नहीं, कहीं से आवाज़ें नहीं, कहीं से कुछ नहीं, एकदम रिलैक्स लग रहा था। ओहो जलपरा, जलपरा भी है पानी में। ए, मुझे भी दिखाओ ना, मुझे भी दिखाओ ना। अरे तुम्हारी आवाज़ सुनकर डर के मारे भाग गया हो। सुफियान यार तुम तो मुझे रिकॉर्ड ही नहीं करते हो। अच्छा ले भाई, लो लो लो, क्या रखो, तुम्हारे ऊपर ही कैमरा रखो, लो। थैंक यू गाइस, जस्ट सी द ब्यूटी इनसाइड द वाटर। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं पानी के अंदर हूँ और मैं ये सब लाइव देख रहा हूँ। आज तक हम लोगों ने ये सब सिर्फ टीवी पे देखा था, खुली आंखों से देखना गाइस ये एक जन्नत की तरह है, कसम से मैं बता रहा हूँ। अरे थोड़ा मुझे भी दिखाओ। अरे यार लो लो लो। अच्छा सुफी बता दो कैसी लग रही हूँ। अरे हाँ निदा, अच्छे दिख रहे हो बाबा। अरे सुफी उसकी वीडियो लो ना, उसकी, वो देखो मगरमच्छ है, मगरमच्छ। अरे डोबी वो मगरमच्छ नहीं है, वो पत्थर है, पत्थर। सुफी सुफी जल परा, सुफी जल परा, जल्दी लो ना, जल्दी रिकॉर्ड करो ना, रिकॉर्ड करो ना, प्लीज प्लीज। सुफी ये जल परा हमें फॉलो कर रहा है क्या? हाँ हाँ, तुमको लेके जाएगा तारों के शहर में। अरे तुम कैमरा मुझे दो यार, तुम बराबर रिकॉर्ड नहीं करते हो। ओहो सुफी स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। ओहो जलपरा फिर दिख गया। ए वाह, चलो मैं भी इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट दे देते। ए वाह, ऐसा लग रहा है ये जलपरे को देखने के लिए इतना सारा पैसा दिए। सुफी चलो ना थोड़ा रोमांटिक होते, हाथ दो हाथ दो। हाँ हाँ अच्छी दिख रही हो, अच्छी दिख रही हो। चलो निदा बहुत फ्री हो गए, कैमरा दे दो अभी, बहुत पका रहे हो तुम अभी, चलो। ये सुफी वो देखो सामने मच्छी ने फाट कर दी। मस्त खुशबू आई। सो गाइस इसी के साथ हमारा स्कूबा डाइविंग का सेशन खत्म होता है। बस अभी हमें सीढ़ियां पकड़ के ऊपर चढ़ना है गाइस। ऐसा लग रहा है मेरे सर पे ऑक्टोपस बैठ गया है, मेरे बाल इतने खराब हो गए थे। नहीं यार लेकिन बट ऐसा लग रहा था कि क्यों मैं ऊपर आ गया, नीचे ही अच्छा था यार। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी नीचे, इतना रिलैक्स था नीचे। निदा हाउ इज यू फीलिंग? मजा आई ना? बहुत मजे, बहुत मजे। Guys, seriously, बहुत मजा आया। लाइफ में फर्स्ट टाइम वी ट्राइड स्कूबा डाइविंग एंड इट वाज ऑसम। हम लोग अभी मस्त एकदम स्कूबा डाइविंग करके आए और बहुत अच्छा लग रहा है।
आवाज नहीं आ रही है। और यहाँ पे गाइस पानी का कलर भी चेंज हो रहा है, देखो इधर ग्रीन है वहाँ पे ब्लू है ब्लू। So we finally came back, so यहाँ पे लोगों से इंग्लिश में बात कर गए। Yeah bro, you know I have improved my English क्योंकि you know everybody speaks English over here mostly, so we have to talk in English to everybody even if they know Hindi, we don't know they know Hindi because this is not India. English. Oh sorry my chapels. Yeah I so forgot it. Then अभी डर के मारे निदा को आ गई है पी फिर से हमेशा की तरह। तो निदा मैम डर के मारे नहीं, एक्सक्यूज मी, डरे तो वो बहुत, मैं तो पानी में घुसी और मैं बस सीधा बोला मैम यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, यू आर डूइंग ओके। और तुमको ऐसा लगता मुंह में पानी जा रहा है? हाँ नहीं मेरे को, हाँ नहीं। सो गाइस क्या होता ना कि अभी अपने को सांस नहीं, अभी 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 क्या होता ना कि हमको सांस लेने की आदत है नाक से, तो अभी ना जैसी अभी नाक से ना सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं और मुंह से लेने की आदत है, जैसी पानी के अंदर जा रहा हूँ ना सांस मुंह से छोड़ रहा हूँ लेकिन सांस है ना फिर नाक से ले रहा हूँ, नाक से सांस आ नहीं रही है, ऐसा अटक जा रही है तो मैं बहुत घबरा रहा था। ओहो कुछ लोकेशन बन गई है, देखिए मेरी बाजी काट दी इसने, अपना रूम भी सजाया उसने, मालूम नहीं मैं गया था ना रूम सजा हुआ था, सजावट मतलब उसने लिख के रखा था नाइस कपल और मैं जब पहुंचा तो सजा ही रहता हूँ। ओह आई गेस इट इज लाइक हनीमून टाइप, वो भी लास्ट दिन पे बोलो, अभी याद आया रहेगा टिप के लिए, सब टिप के लिए मैं बता रहा हूँ। जी ना गाइस बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि मतलब निदा बिंदास थी, निदा एकदम फ्री हो गई थी, निदा एकदम मतलब हालांकि मेरे को ऐसा लगा था कि निदा को डर लगेगा बट निदा को डर नहीं लगा, मुझे डर लग रहा था पानी में जाने के बाद, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया अचानक। फिर कैसा कैसा करके मैं अंदर गया पानी के और फिर सब नॉर्मल हो गया जैसा चल रहा था, और निदा तो अंदर इशारे इशारे कर रही थी कि ये टेक लो वो टेक लो। अभी समुन्द्र के पानी से आए, अभी चलते हैं पूल के पानी में, क्लोरीन वाले पानी में। सो लेट्स गो, ठंडा है ठंडा है, लेट्स गो इनसाइड। अभी तो ऐसा लग रहा है पानी से नाता सा जुड़ गया। हाँ देखो ना पूरा पूरा दिन पानी में जा रहा है निदा यार, मजा आ रही है मेरे को तो बहुत मजा। और गोप्रो लेके तो मजा ही आ गया निदा यार कसम से। गाइस मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया गोप्रो लेने का, आप लोग भी गोप्रो लो कहीं भी घूमने जाओ इमरजेंसी में बहुत काम आता है। अरे यार अपने जो चश्मा लाया वो तो यूज ही नहीं किया, वो गोवा में यूज कर लेंगे। सो गाइस हम लोग नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह जाएंगे गोवा, और गोवा में भी ऐसे एंजॉय करेंगे जैसे यहाँ एंजॉय कर रहे, और गोवा में तो और भी लोग रहेंगे हमारे साथ में तो और मजा आने वाली है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी निदा पचकाने गिरी करेगी थोड़ी। आग तो खोलो करो करो क्या कर रहे थे करो। इससे ज्यादा नहीं कर सकती मैं, इधर डाइव मारो ना फिर से, एक डाइव मारो ना, एक 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 हो जाए निदा एक डाइव, चलो ऐसा नहीं ऊपर से। अभी नहीं तो सर के बल गिरी है एकदम पेट के बल। और यहाँ पे सुफियान कह रहे कि मैं स्विम करना चाहता हूँ, करो जरा चल चल झुट्टे, ऐसा लग रहा हूँ बड़े सांड को पानी में खुला छोड़ दिए। यू आर मोर लाइक अ सांड। हाँ तो हम लोग आ गए घर पे चेंज करने क्योंकि हम लोगों को कुछ खाने जाना है, और यहाँ पे कोई भी रेस्टोरेंट में हम गीले गीले नहीं जा सकते, अलाउड नहीं है, तो घर पे चेंज करने आना पड़ता है 5 किलोमीटर चल के। तो कोई नहीं हम लोग आ गए, और साथ में मैंने कपड़े कैरी कर लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग सोचे है कि झूले पे बैठ के हम लोग सनसेट का मजे लेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। और गाइस हम लोग जैसे ही रूम में आए हम लोगों को सरप्राइज मिला है यहाँ पर, ये देखो हमारा लास्ट डे है तो उन्होंने हमारे लिए ऐसा डेकोरेशन किया है, सो स्वीट ऑफ देम। और यहाँ पे टिप देना पड़ा, मैंने पूछा कि इंडियन करेंसी लोग या उन्होंने अपने हाथों में उनको 200 रुपए दिया तो उन्होंने ऐसा मुंह बनाया थैंक यू, मतलब इंडिया के 200 रुपए यहाँ के हो गए कुछ 40-50 रुपए। अब मैं क्या करूँ बताओ, अभी इंडिया में तो हम लोग इतनी ही टिप देते, बट मैं ज्यादा कैश लाया नहीं था क्योंकि सब डॉलर्स में है, 100-100 डॉलर की नोट है, अब मैं 100 डॉलर की नोट दे नहीं सकता क्योंकि वो ज्यादा टिप हो जाएगी फिर, वो ये टिप तो कोई मुझे देगा तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ। चलते कुछ खाने के लिए फिर आप लोगों से कनेक्ट करते। हम लोग आ गए अभी शार्क फीडिंग की तरफ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर शार्क फीडिंग होती है और अलग अलग टाइप्स की मच्छियाँ आती है, और वो वाली कौन सी मच्छी, वो जो लंबे वाली स्टिंग रे। और हम लोग जब गए थे किसके लिए, किस पे गए थे, फन टॉय पे गए थे, और हमारे बाजू से निकला और हम लोग को मालूम पड़ा कि काटता है एरिया। बस लग रहा ना निदा, खिला रहे खाना है लोग, देखो ना माय गॉड मेरे पैर कांप रहे भाई। तो निदा ने यहाँ पे एक दोस्त बनाई है जो दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। नो चाओ ओके हाई फाइव
मराठी बोलो मराठी मराठी बोलो मुझे नहीं समझ में आ रहा बट शी इज वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह शी वांट्स जूस यू वांट नो फैट फैट फैटीटो फैट हो जाएगी अरे फैटीटो बोल रही है वो इट वाज नाइस मीटिंग यू यू टू फिर से हम लोग रूम पे आ गए 4 किलोमीटर चल के सो गाइस अभी पैकिंग का टाइम हो गया क्योंकि हम लोग को सुबह 6 बजे निकलना है यहाँ से हम लोग की फ्लाइट 2 बजे बट हम लोग को निकलना पड़ेगा यहाँ से 6 बजे क्योंकि हम लोग का जो स्पीड बोट टाइमिंग है वो 6 और 11 बजे का है 11 बजे निकलेंगे तो लेट हो जाएगा पहुंचते तो हम लोग 6 बजे निकलेंगे गाइस ये बहुत बुरी चीज है तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मैं कल आप लोगों को दूंगा तो आप लोग भी इस पे ध्यान रखना और नेक्स्ट टाइम जब आप लोग अपनी अपना होटल बुकिंग करोगे किसी से भी तो उनसे स्पीड बोट का टाइमिंग जरूर पूछना मैं कल आप बताऊंगा तो अभी चलो पैकिंग करते हैं जाके अंदर अकेले पैकिंग कर रही है अभी मैं जाऊंगा ना ब्लॉग लेके भड़क जाएगी बोलेगी यहाँ पर पैकिंग करने का तुम ब्लॉग लेके खड़े हो थोड़ा हेल्प करके आता हूँ फिर आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ कल रात में इतनी नींद आ रही थी कि हम लोग फौरन ही सो गए और मैंने व्लॉग भी एंड नहीं किया तो मैं अभी मेरी आंख भी नहीं खुल रही तो मैं अभी व्लॉग एंड करता हूँ थैंक यू वॉचिंग दिस व्लॉग अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस लव यू